खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नागपुर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश विरोधी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, संघ मुख्यालय, दीक्षा भूमि पर आज से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। यातायात शाखा के 300 पुलिस कर्मियों समेत कुल 2200 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। सीमा के बाहर से शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की गहन जांच की जाएगी। नागपुर में महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और सशस्त्र कर्मियों को तैनात किया गया है। गणेश विसर्जन तक हाई अलर्ट रहेगा। नागपुर पुलिस 11 से 15 अगस्त तक 5 दिनों में अमृत महोत्सव मनाएगी और सभी 5 दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों की दावत होगी। पुलिस ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध के प्रति जन जागरूकता, मेडिको लीगल कैंप का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्तालय के पतंगन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 14 अगस्त को पुलिस मैराथन का आयोजन किया गया है। इस साल पहली बार नागपुर में पाइप बैंड का आह्वान किया गया है। बच्चों के लिए एक प्ले जोन, खाने के लिए विभिन्न फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि नागरिकों के लिए शिकायत निवारण कार्यक्रम चलाया जाएगा। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।